गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मॉर्निंग में आ चुके हैं सुबह सुबह हम पार्क, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और वेदर बड़ा प्यारा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इधर वॉलीबॉल चल रहा है और इधर पीछे की तरफ बैडमिंटन खेल रहे थे, बच्चे चले गए इधर खेल रहे हैं, क्रिकेट वगैरह सब खेल रहे हैं। सही है, सुबह सुबह नेचुरल वाइब्स आ जाती है मस्त, और अपने यहीं पर आ गए, सुबह सुबह सही रहता है इसलिए आ गए। बाकी अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में घर चलते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है 8 बजे के आसपास, तो फिर घर चलते हैं और आज कुछ क्या करते हैं देखते हैं, कुछ तो करेंगे। और हमारी 2500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले, मतलब हमारी फैमिली 2500 हो जाएगी अब, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या 5000 फैमिली हो जाए जब कुछ करते हैं। अभी 2500 काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, अब 2000 फैमिली आज, जब तक आप लोग देखोगे मतलब जब तक हमारी फैमिली कंप्लीट भी हो जाएगी 2000। तो थैंक्स टू ऑल मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसे ही बने रहना। और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी आजकल ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो उस पर भी थोड़ा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अभी फ़िलहाल चलते फटाफट घर यहाँ से, वेदर बहुत प्यारा लग रहा है सच्ची में। मौसम बड़ा 3-4 दिन से ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश वारिश हो जाती है ना, इस चक्कर में बहुत सही हो जाता है पहले से वेदर। बाकी चलते अभी धीरे धीरे घर। तो भाई साहब, मैंने अभी जो अभी क्लिप रिकॉर्ड करी है ना, मैं अभी इसको चेक किया तो मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब क्लियरिटी अलग सी निकल के आ रही है। मॉर्निंग में अच्छा ब्लॉग बना है, मतलब दोबारा से मन कर गया कि क्लिप रिकॉर्ड करूँ, लेकिन अभी करूँ क्या, तो जल्दी जल्दी फटाफट घर चलते। लेकिन ये जितना मैंने देखा कि बाहर ना ब्लॉग काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है, तो बाहर नेचर भी है अच्छा है, पीछे ग्रीनरी है, तो इसमें आईफोन में क्या है कि ग्रीनरी अच्छी दिखा देते हैं, जो कि काफ़ी फ़र्क लाती है। और बाकी फ़िलहाल क्या ही दिखाएँ यहाँ पे, अभी मेरे बोल आगे लगी बहुत जोर की, यहाँ पे बोली बोल खेल रहे थे भाई, धीरे खेल लो थोड़ा, अभी चलते अभी धीरे देगा, ये बच्चे खेल ले आगे इधर बैडमिंटन। और सारे भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं शॉर्ट्स वीडियोस काफ़ी कॉमेडीज अब बना रहा हूँ, और उस पर प्लीज़ सपोर्ट दिखा दो, शेयर कर दिया करो, और उसमें मैं लिंक भी लगा देता हूँ जो कि मेरी वीडियोज़ है, जिन्होंने नहीं देखी वो भी जाके देख लो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी प्रैंक्स वीडियोज़ और भी नई नई वीडियोज़ डाली हुई हैं इसमें, तो सारी अब जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैं आगे धीरे धीरे अब नए नए प्रैंक्स वीडियो और टूरिंग वीडियो का तो अभी खैर कोई आइडिया है नहीं, बाकी अपना वैष्णो देवी का ट्रिप है अभी, उसके लिए 1 मंथ है अभी खैर, तो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, उसके लिए भी रेडी। बाकी अभी फ़िलहाल तो अभी घर पे कॉमेडी चलने वाली बहुत तगड़ी तगड़ी, बाकी चलो कॉमेडी जैसी भी होगी मस्त एक एक देखना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और वीडियो में ऐसे बने रहो। और आज क्या होने वाला है चलो देखते हो, तो मुझे भी नहीं पता। गिलहरी मौसी पास से जाके लेते हैं, भाग ना जाए कहीं, भाग मत जाइयो, भाग मत जाइयो, भाग मत जाइयो, भाग मत जाइयो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे खा ले, नहीं छीन रहा मैं, खा ले यार। कहाँ गई, आ गई हैं, ओ बैठी, चर ले। ये पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे पार्क वगैरह में, देखने जाओ ना, ये सफ़ेदे के पेड़ है, ये हमारे गांव में बहुत लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सरकारी पेड़ लगे होते हैं, ये काट भी नहीं सकते, वहाँ पे नंबर वंबर भी लिखे होते हैं इन पे, ये जो पेड़ है ये यहाँ पर मतलब लंबे लंबे, और छाया भी अच्छी बनी रहती है। अब गांव साइड में एरिया में जाते हैं ना, अभी सड़क और साइड में दोनों तरफ में ऐसे ऐसे पेड़ बहुत लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा, कई वीडियोज़ मैंने बनाई है उसमें है, ऐसे ऐसे सीन भी है, बहुत अलग अलग मस्त से लगते हैं पेड़ भी, और भी कई सारे पेड़ हैं इनमें, मैंने कई चीज़ देखी नहीं इनमें पहले, इनमें पता नहीं किस किस चीज़ के संतरे वगैरह सब चीज़ के पेड़ हुए करते थे, अब तो पता नहीं सब ने उखाड़ दिया कैसे क्या, इसलिए अब पानी उनी भी कम डलता है ना इनमें, और ऊपर से गर्मी इस बार ज़्यादा पड़ गई थी तो इस करके ज़्यादा भी वो भी है। बाकी अब मौसम सही हो जाएगा, बारिश आ जाएगी ना, अब सही हो जाएगा मौसम, फिर सही खिल लेंगे पेड़, अब कई सारे जो है सूखे गए वो पेड़, जैसे ये रहे कई सारे पेड़ सूखे हुए इनमें, अब सही हो जाएंगे। एक तो ये पार्क मैंने ये चीज़ बड़ी निखर के आती है, जो उसमें वो बना हुआ ना ट्री सा, बहुत प्यारा लगता है ये देखो, बहुत ही ज़्यादा, इसमें बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी है, बाकी बहुत सही है, काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। और यहाँ पे वॉकिंग वगैरह कर लेते हैं हम, तो मैं सुबह आके अपना वॉकिंग वगैरह करी यहाँ पे, पता नहीं काला आ रहा है कि नहीं, इधर से सही आ रहा होगा, वॉकिंग वगैरह करके और अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट पुलअप पुशअप मार के अपना फिट हो अपना सही, अभी जिम छोड़ रखा है कुछ टाइम के लिए, बाकी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे आगे चल के, अभी तो फ़िलहाल थोड़ा है, बाद में कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फ़िलहाल अपना सुबह सुबह मेन है ताज़ी ताज़ी हवा लेना और वर्कआउट करना, यही सब करके अपना फिट रहो, और खाने पीने पर कंट्रोल,
वो चीज मेन क्या है, सारा खेल डाइट का है, वो उस पर कंट्रोल हो जाए ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि 8 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ घर। तो सुबह आ गया था, मैं टाइम से आ गया था जल्दी, और अपना सब करके निकल रहा हूँ घर के लिए। तो फिर अब घर चल के फिर करते बात, बाय। देखो मंडी लगी हुई है इधर पास में, ये सबसे बड़ी मंडी है हमारे इधर की, और यहाँ पे कई ये तरबूज वगैरह। ये चीज़ यहाँ पे बाहर ज़्यादा इसलिए लगा रखी है, मतलब अंदर भी भीड़ ज़्यादा रहती है ना, तो कई लोगों को जगह नहीं मिलती। और ये इसके मंडी के कम से कम लगा लो 3 से 4 गेट है बड़े बड़े इस मंडी के। और अभी ये जो पहला वाला जो गेट है ना, इस पर ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे मतलब लोग आते हैं दूर दूर से। अब जो मेन रोड है ना, वहाँ से पीछे सोसाइटी एरिया से भी लोग आते हैं, तो इनकी गाड़ियाँ वगैरह सब जैसे यह यहाँ पर खड़ी हुई है। अंदर तो ले जाने की जगह है नहीं, इसलिए रस्सी वगैरह सब बांध देते हैं ताकि कोई गाड़ी ना ले जा पाए अंदर। और मतलब इस टाइम खूब भीड़ हो जाती है 8 बजे के टाइम, इस टाइम पे तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं लोग, ताकि जाम में ना फंसे। जब भी जाम लगी जाता है इस टाइम पे, थोड़ी देर और बस फिर जाम लगना शुरू हो जाएगा। अब इधर धीरे धीरे, अब क्योंकि अब रस्सी बांध दी ना इन्होंने, पब्लिक आनी शुरू हो जाएगी इस टाइम पे। ऑफिस टाइम हो जाता है जैसे लोगों का 8:30-8 बजे, तो उस टाइम पे ज़्यादा पब्लिक आने लग जाती है। उस चीज़ का भी ध्यान रखते फिर कही सारी चीज़ का, फिर वो भी चीज़ है। बाकी अब तो फिलहाल हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। ये मंडी जो है वहाँ से आगे से शुरू होती है, और ये कम से कम लगा लो वो आगे जो येलो कलर का पिलर लग रहा है, वो आगे उससे भी आगे वहाँ जाके ख़त्म होती है। ट्रक दिख रहा है आपको गाड़ी के पीछे, वहाँ पे जाके इसका गेट एंड होता है। 3 गेट हैं इसके कम से कम, 3 सबसे बड़े बड़े। और जिनको बेचारों को अंदर जगह नहीं मिलती, वो बाहर ही अपनी रेडी लगा लेते। और जो मंडी होती है ना, जो दूसरी जो छोटी छोटी जैसे जो कॉलोनी साइड मार्केट एरिया होता है, उनकी वहाँ पे जो मंडियाँ लगती है, वो सारे जो अपने फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह जो भी चीज़ होती है ना, वो यहाँ से लेके जाते हैं इकट्ठे इकट्ठे। मतलब सस्ते पड़ जाते हैं ना, क्योंकि इकट्ठा माल लेते हैं इस चक्कर में, फिर वो वहाँ जाके अपना सेल करते हैं उस चीज़ को, जो कि काफ़ी सही है। फिर क्या मंदिर जहाँ पे हम रोज दर्शन करके जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं, सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं हमारे इधर ही। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। सुबह सुबह यहाँ से फिर जब मैं जाता हूँ ना, तो अलग ही वाइब हो जाती है, कि पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है, जो कि सही है। सुबह सुबह मतलब भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं, सुबह सुबह गाने भी अच्छे चला रखे होते हैं इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो चीज़ है। तो उधर मैंने बताया था ना पहले वाले गेट पर, जैसे उन्होंने रस्सी वगैरह लगा दी थी, तो अब इधर जो है इधर जाम लगना शुरू हो गया, क्योंकि लास्ट गेट है ना इधर पीछे का, ये गेट नंबर 1 है इधर, और वो गेट नंबर 3 है। तो इधर ज़्यादा जाम लगना शुरू हो गया अब, क्योंकि आने शुरू हो गए ना यहाँ पे ट्रक टेम्पो वगैरह, जो लोग दूर दूर से गांव-गांव से आने लगे, खेत में आ जाते ना, आपस में लड़ने शुरू हो जाते, क्योंकि लोग अपने देखो यहाँ से कट्टे बोरी अपने यहाँ खरीद खरीद के यहाँ रख लेते हैं, और फिर इनमें रिक्शों में रखवा रखवा के लेके जाते हैं मंडी साइड में अपनी जगह पे, जहाँ पे ये अपना सेल करते हैं, यहाँ से खरीद के ले जाते हैं 3-4 कट्टे पर, जिनको भी मतलब जितना भी सही होता है, मतलब सही रेट में मिल जाता है इनको, जो बड़ी मंडी है ना यहाँ पे इस चक्कर में। तो एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पे, कि पाजी है, मतलब जो मतलब गरीब लोग होते हैं उनको खाना वाना देते हैं रोज, चाय ब्रेड राजमा खिचड़ी, मतलब हर दिन का अलग अलग इनका शेड्यूल होता है, कि मतलब क्या देना है क्या नहीं, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं धर्म के हिसाब से देखा जाए तो, और काफ़ी सही है जो भी। लोंडे पढ़ रहा है क्या? फाइल बना रहा हूं। कौन सी फाइल? स्कूल की। स्कूल तेरे खुल चुके? अबे भाई तू कैसे गंद सा हो रखा पूरा, बाल सही कर, जब भी ऐसे ही दिख रहा है। वैसे तेरा स्कूल तो खुल ही चुके हैं, कब से जाएगा फिर? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद शॉर्ट वीडियो देखी? इसने तूने मैंने तो बनवाई है। सो गाइस हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो भी जाके देखो, उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट, सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल, जब भी तो आपके पास नई नई वीडियोस हम क्योंकि रोज़ डालेंगे मस्त मस्त कॉमेडी वाली वीडियो, जो कि हमने आज शाम को ही डाली थी, अभी 1 घंटा ही हुआ, उस पर रीच काफ़ी अच्छी आ गई। टच वुड कुछ गलत ना हो उस वीडियो का, मतलब कम व्यूज़ ना आए, व्यूज़ अच्छे आ जाए उस पर। तो ऐसी सी और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे, और कमेंट करके बताओ कि वो वीडियो कैसी लगी कॉमेडी। सैम राठौर 05 व्लॉग, तो ये बंदे पूछ रहे हैं, फैंस हैं मेरे इन जैसे। सैम राठौर 05 व्लॉग्स, तुम जानते नहीं क्या तुम मेरे को? नहीं, तो जान लो। आ गया